15 सितंबर 2024 को यमन के हुती ने इसराइल के तेल अविव शहर पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। हुती ने इस हमले में एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। यह मिसाइल इसराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए इसराइल में जा घुसी थी, और इस मिसाइल को लेकर हुती ने दावा किया था कि सिर्फ 11.5 मिनट के भीतर यह मिसाइल 2040 किलोमीटर की दूरी नापकर तेल अविव पर आ गिरी थी। और इसके बाद से ही यह सवाल उठा था कि आखिर हुती के पास ये मिसाइल आई कहां से। तो आपको बता दें कि हुती ने अब इस मिसाइल का एक वीडियो जारी किया है और इसे फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम दिया है। हुती ने दावा किया है कि फिलिस्तीन 2 मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2150 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल दो चरणों में ठोस ईंधन पर चलती है। यह दो चरणों वाली सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। इस मिसाइल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। यह मैक 16 की रफ्तार से उड़ान भरती है। यह ध्वनि की गति से 16 गुना तेजी से उड़ती है। फिलिस्तीन 2 मिसाइल आज के जमाने के दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और एरो 3 को भी चकमा दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ हुती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने भी इस नई मिसाइल की पुष्टि की थी। सारी ने कहा था कि हुती के लड़ाकों ने नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अविव पर हमला किया है और ये हमला एकदम सटीक रहा। यहां तक कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल के लक्ष्य को बदल नहीं पाया। आपको बता दें कि याया सारी ने इसी दौरान कहा था कि यह हमला 5वें चरण का हिस्सा है। सारी ने आगे जोर देकर कहा कि भौगोलिक बाधाएं, अमेरिका और ब्रिटेन की आक्रामकता और निगरानी और एयर डिफेंस सिस्टम भी हुती को फिलिस्तीन के लोगों का सपोर्ट करने से रोक नहीं पाएंगे। फिलिस्तीनियों की मदद करना हमारा धार्मिक, नैतिक और मानवीय दायित्व है। वहीं दूसरी तरफ हुती के मुखिया सैयद अब्दुल मलिक अल हुती ने भी इस मिसाइल को लेकर कहा था कि मॉडर्न तकनीक से लैस मिसाइल ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पार किया और करीब 2040 किलोमीटर की दूरी तय की। भविष्य में ऐसे और ज्यादा हमले होंगे। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि यह पहली मिसाइल नहीं है जिसने इसराइल के भीतर घुसकर हमला किया हो, बल्कि इससे पहले हुती ने तेल अविव पर 19 जुलाई 2024 को एक ड्रोन हमला किया था जो अमेरिकी दूतावास के पास एक अपार्टमेंट के ऊपर जाकर फटा था। इस हमले में एक इजरायली की मौत हो गई थी जबकि अन्य 10 लोग घायल हो गए थे। ये ड्रोन तेल अविव की बेन यहूदा स्ट्रीट पर आकर फटा था। बड़ी बात यह है कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। और इससे पहले हुती ने 27 जून 2024 को इसराइल के हाइफा बंदरगाह पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया था। हुती ने उस वक्त इस मिसाइल को फिलिस्तीन मिसाइल का नाम दिया था, जिसका एक वीडियो भी रिलीज हुआ था।